मैंने कचरा उठाना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया। एक फैमिली ने कहा लो जी देखो कचरा उठाने वालों, हंसने लगे। तो मैं दिल में काफी तकलीफ हुई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। अब मैं अक्सर रात को बोल रहा होता हूँ तो मेरी वाइफ कहती है उठे उठे आप घर में, आप नेशनल पार्क में नहीं हो। अगर बंदर आपको काट ले तो आप पागलपन का खतरा बहुत ज्यादा हो जाता है, उसकी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है। अगर वो ना करे तो आदमी पागल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। जब मैं यहाँ पे आता था मैं देखता था कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लिटरिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ये एक नेशनल पार्क है। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया। मैं लोगों से पूछा कि भाई आपको पता है किधर आया, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो मैंने उनको कहना शुरू कर दिया कि ये एक नेशनल पार्क है और इसके कुछ रूल्स भी हैं। जब एक नेशनल पार्क होता है कुछ रूल्स हो जाते हैं। तो कई साहब कहते हैं यार मैं तो 20 साल से आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कि एक नेशनल पार्क है। और क्या पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि कोई हमें रोक के कह रहा है कि सर इस पे रूल्स हैं, आप सिगरेट ना पिए, मंकी फीडिंग ना करें, यहाँ पे कचरा ना फेंके, वुड कटिंग ना करें, बारबेक्यू ना करें, यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं, या म्यूजिक ना सुने, यहाँ पे शोर ना करें। तो हमें नहीं आज तक देखा कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा करता हो। फिर मैंने यहाँ पे लोगों का गिराया हुआ कचरा भी उठाना शुरू कर दिया। ये मुझे बताएं कि आपने जब कचरा उठाने का काम स्टार्ट किया तो रोजाना कितना कचरा आप उठाते? मुश्किल काम नहीं है? सर मुश्किल काम तो बहुत है, शुरू में लगता है, लेकिन जब आप उठाना शुरू करते हो यकीन करें आपको मज़ा आता है, आप इसको इंजॉय करते हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि लोगों का गिराया हुआ कचरा उठा के आप यहाँ की वाइल्ड लाइफ को सेव करते हो, ठीक है, यहाँ के जंगलात को बचाते हो, यहाँ के माहौल को ठीक करते हो। और प्लास्टिक कितना बड़ा पोल्यूशन है और कितनी बड़ी तबाही है आपको पता ही है। पूरी दुनिया इस टाइम प्लास्टिक से छुटकारे के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें कर रही है, लाखों करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रही है। तो मैंने कचरा उठाना शुरू कर दिया, लोगों ने मेरा मजाक भी बनाया। एक फैमिली ने कहा लो जी देखो कचरा उठाने वालों, हंसने लगे। तो मैं दिल में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं उनके पास गया, मैंने उनकी अवेयरनेस की, सलाम दुआ की। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने वापसी में मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उनको बताया कि आपने ये जो एक चीज़ नीचे फेंकी है इसकी वजह से नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े कितने डिस्टर्ब होते हैं, कोई जानवर खा ले मर जाए फिर उसके बच्चों का क्या होगा। तो उनको पूरी मैंने अवेयरनेस दी। फिर उन्होंने मुझसे सॉरी किया और कहा कि हम आपके साथ मिलकर कचरा उठाएंगे, हम भी नहीं फेंकेंगे और अगर कोई और भी फेंक रहा होगा तो वो भी हम उठाएंगे। अच्छा ये बताए कि अवेयरनेस मैन आपने यहाँ पर भी लिखा है नो स्मोकिंग नो लेटरिंग, तो ये खिताब आपको कहाँ से मिला अवेयरनेस मैन का? देखिए जब मैं यहाँ पे आता था तो मैंने लोगों को अपनी मदद आपके तहत अवेयरनेस देनी शुरू कर दी। तो ऐसा ऐसा यहाँ मैं फेमस होना शुरू हो गया। तो हमारे सीनियर हैं तसद्दुक मलिक साहब, उन्होंने मुझे अवेयरनेस मैन का टाइटल दिया, खिताब दिया, और साथ ही मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। तो मुझे अब मैं अक्सर रात को बोल रहा होता हूँ तो मेरी वाइफ कहती है उठे उठे आप घर में, आप नेशनल पार्क में नहीं हो। यानी कि मैं जब रात को सोता भी हूँ भी फिक्र होती है अपने नेशनल पार्क की। फिर मैं ना 2 दिन पहले अपने घर से बाहर निकला तो कुछ लड़के ना हाथ में चिप्स और बोतल पकड़ी हुई से जा रहे थे। मैंने उनको कहा भाई ये यहाँ पे अलाउ नहीं है। मुझे याद आया कि मैं नेशनल पार्क में नहीं, मैं अपने घर में खड़ा हूँ, मैं एकदम रुक गया। यानी कि मेरे जहन में हर टाइम यही होता है कि मैं इसको बचा लूँ अपनी आने वाली नस्लों के लिए, मुझे इससे प्यार है, मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान और ये मागला इस नेशनल पार्क क्यामत तक ऐसे हरा भरा रहे और मज़ीद फले फूले। मैं एक दिन नहीं रहूँगा लेकिन इंशाल्लाह ताला ये पार्क क्यामत तक रहेगा, मेरी यही ख्वाहिश है। लोग यहाँ पे बंदरों को भी तंग करते हैं और लीपर्ड का भी आने का ख़तरा होता है इस्लामाबाद में, निकलें तो इसकी बचाव के लिए क्या करना चाहिए? और जो लोग ये बंदरों को बाहर का खाना खिलाते इसका क्या इम्पैक्ट होता है? सर नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। उसकी वजह यह है कि लोग हमारे बंदर ख़राब करते हैं, बंदर लेज़ी करते हैं। अगर अल्लाह ताला ने बंदर पैदा किए हैं तो उनके नेचुरल हैबिटेट में खाने पीने की हर चीज़ रखी है। मैं यहाँ दामन को से पहले अवेयरनेस कर रहा था बंदर नो मंकी फीडिंग के ऊपर, तो एक साहब आया तो हॉट पॉट लेके आए। मैं कहा सर ये क्या, उसके अंदर देसी घी के पराठे। मैं कहा सर आया थे मेनू दे दो, हमें ऐसा देसी घी नहीं मिलता। कहते हैं मैंने स्पेशल देसी घी मंगवाया है बंदरों के लिए। मैंने कहा सर आप कितने बंदरों को दे रहे हैं? कह रहे 10-15 बंदर। तो मैंने कहा सर जो बाकी बंदर है हज़ार वो कौन पाल रहा है? सोच में पड़ गए। फिर मुझे कहते हैं तेरे होते अल्लाह का अजाब होएगा। मैंने कहा क्यों? तेरी वजह तो बंदर भूखे ने। मैंने कहा सर मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने कितने बंदर बनाए, या तो आप पूरे मारगरा हिल्स का ठेका ले लें, ठीक है, सारे मारगरा हिल्स के बंदरों को आप खुराक देने शुरू कर दें, फिर तो एक बार ठीक है, 10 बंदरों से क्या होगा? फिर सोच में पड़ के खैर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि बंदर लेज़ी हो जाएंगे, इसके सयाहों पर हमला करता है, लोगों के घरों में चला जाता है, चल फिर के जो उसको अपना खाना इकट्ठा करना पड़ता है तो लेज़ी हो जाएगा। खैर वो बात हमारी समझ गए और उन्होंने कहा कि अब मैं मंकी फीडिंग नहीं करूँगा। अच्छा ये बताए कि लीपर्ड अगर
अगर अचानक सामने आ जाए तो उसको किस तरह फेस करना है? देखिए, लेपर्ड एक सामने आता नहीं है, वो शाही एनिमल है और वो एक नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल एनिमल वो होता है जो शाम को एक्टिव होता है, अंधेरा होने के बाद वो सुबह तक एक्टिव रहता है। और अव्वल तो जहाँ लेपर्ड है वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर आप किसी वजह से चले भी गए हैं तो आप एक टॉर्च अपने हाथ पर रखें, ठीक है? आप टॉर्च को ना यूं करें, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने ना सामने यूँ खड़े हो जाना है, आपने यूँ भागना नहीं है। अगर आप भागेंगे ना तो वो समझेगा कि आप आसान शिकार हो और वो 65 किलोमीटर की स्पीड से हमला करके आपको पीछे से पकड़ लेगा। आपने सिंपल यूँ खड़े हो जाना है, आपने हाथों को यूँ करना है, यूँ करना है और यूँ करना है। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर करना है कि आप उससे बड़े हो और आप उससे डरे बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह चला जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपने घबराना नहीं है। क्यों? अगर आप घबराएंगे ना, आपको देख के वो घबराएगा, उस घबराहट में आपके ऊपर हमला करेगा। और दूसरी चीज़, आपने उसकी आंखों में नहीं देखना। अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो वो समझेगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हो और वो आपके ऊपर हमला कर देगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इतना टाइम वो आपको देगा जब आप उसकी आंखों में भी ना देखे, टार्च ना हो, फिर क्या करना पड़ेगा आपने इस तरह? कुछ ये तो आप मतलब ये एक लॉजिकल बात है ना, तो इतना टाइम लेपर्ड आपको देगा कि वो पहले आपको ऑब्जर्व करेगा या उसके बाद आप पे हमला करेगा, इस तरह कुछ होता है या नहीं डायरेक्ट वो हमला कर? सर, ये जो हमारे साइंटिस्ट है ना, ये उनकी रिसर्च है कई सालों के पर महीत है ये। उसके बाद उन्होंने ये किया, देखिए हर इंसान की साइकी होती है, हर जानवर की अलग साइकी होती है, कुत्ते की अलग होती है, घोड़े की अलग होती है। तो लेपर्ड की जो साइकी है, उसका जो जहन है, उसके मुताबिक साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें रखी हैं और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हुई है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि कोई वीडियो आ जाती है कि लेपर्ड सामने से आ गया या गुजर रहा है, तो वो उसमें ये होता है, वो चंद सेकंड रुकता है और चला जाता है। देखें, लेपर्ड 10 से 21 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में अपनी टेरिटरी बनाता है। उसके अंदर वो एक शेल्टर बनाता है, डैन, जहाँ पे उसके बच्चे होते हैं। अगर आप उसके बच्चों के पास चले जाएंगे फिर तो वो लाजमी हमला करेगा। तो जहाँ पे उसका शेल्टर है, डैन है, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? वही जो मैंने बातें बताई, अगर आप चले जाते हो तो आप इन बातों का ख्याल करो, इंशाल्लाह वो आप पे हमला नहीं करेगा। अच्छा, ये बताएं कि अगर एक बंदर जो है उसको हम आदि बनाए खाने का, तो उसने अगर अटैक किया तो उसका इंसान पे क्या इम्पैक्ट होता है? सर, अगर बंदर आपको काट ले तो आप पागलपन का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। उसकी वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, अगर वो ना करे तो आदमी पागल भी हो सकता है। नाज़रीन, ये थे मंसूर शेरवानी साहब, जो अवेयरनेस मैन के नाम से मशहूर हैं। उनको ये टाइटल इसलिए दिया गया है क्योंकि मारगल्ला की जो पहाड़ी है, यहाँ पर जो लोग गन पहनते हैं ये उनको अवेयरनेस देते हैं और ये कचरा खुद उठा के उनको ठिकाने लगाते हैं और उनको इसके कोई मुआवजा नहीं मिलता, बल्कि इनका मकसद ये है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए मोहम्मद बास खान के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।